तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आइए आप अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। और देख सकते हो ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से जो रास्ता आ रहा है यूपी गेट से, और उससे पहले ये यहां से आनंद विहार और कौसाम्बी के लिए चला जाता है। ये देख सकते हो लेफ्ट में दोस्तों। और अगर हम बिल्कुल सीधे सीधे जाएंगे तो दोस्तों मोहन नगर आ जाएगा, और उससे पहले साहिबाबाद RRTS का स्टेशन भी आएगा। और इस साइड में है दोस्तों वैशाली, मेरा राइट हैंड पे है वैशाली। तो ये आपको बता दूँ, ये आनंद विहार और वैशाली की रेड लाइट है। अगर लेफ्ट में जाते हैं तो आनंद विहार और कौशाम्बी के लिए चले जाते हैं, और बिल्कुल सीधे सीधे जाते हैं तो हम साहिबाबाद और मोहन नगर के लिए निकल जाएंगे दोस्तों। तो उससे पहले आपको बता दूँ कि जो वैशाली का मेट्रो स्टेशन है ब्लू लाइन का दोस्तों, उसके सामने टनल बनाई गई है दोस्तों। और टनल बनने पे कितना कुछ वर्क हो चुका है उस टनल का, वो आप लोगों को आज मैं दिखाने वाला हूँ दोस्तों। तो आपको बता दूँ ये टनल 6 किलोमीटर की है दोस्तों, और जो कोंडली जगह है कोंडली से ये अंडरग्राउंड हो जाती है, और ये आनंद विहार में मेट्रो स्टेशन बनाती है अंडरग्राउंड, और उसके बाद में फिर ये वैशाली के सामने निकलती है दोस्तों। तो एक देख सकते हो ये वैशाली की रेड लाइट आ चुकी है, और यहाँ से अगर हम राइट में जाते तो वैशाली के लिए चले जाएंगे दोस्तों। और इससे जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो वैशाली का मेट्रो स्टेशन आ जाएगा ब्लू लाइन का दोस्तों, और उसके सामने ये टनल निकलती है दोस्तों रैपिड रेल की, यानी कि RRTS रैपिड रेल कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है दोस्तों। और मेरे साइड में सारी नर्सरियाँ ही नर्सरियाँ हैं। जैसे ही सामने आ जाता है दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर जो बनाई जा रही है, हमारे देश में पहली बार रैपिड रेल यानी कि सरायकाले खान से स्टार्ट होगा और ये मेरठ के मोदीपुरम तक जाएगा दोस्तों, और वहाँ से करीब पास में ही रह जाता है मुजफ्फरनगर। तो आप लोगों को अपडेट देते हैं आज यहाँ का, तो दिखाते हैं और आप लोगों को देखो। और आपको बता दूं दोस्तों कि यहाँ का जो ये स्टेशन, ये चढ़ने उतरने के लिए ये बिल्कुल छोटा सा कर दिया है इन्होंने, देखो। तो इसी के ऊपर चढ़ेंगे हम और आप लोगों को दिखाएंगे। तो यहाँ पर गाड़ी खड़ी कर देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं चढ़ के ऊपर चढ़ के। कुछ ऐसा है ये है दोस्तों वैशाली का मेट्रो स्टेशन ब्लू लाइन का, ये देख सकते हैं तस्वीर। ये फुट ओवर ब्रिज है, वो स्टेशन है, और इधर ये बनाया जा रहा है RRTS दिल्ली मेरठ रैपिड रेल, देख सकते हो तस्वीर। और आपको अब दिखाते हैं इधर का, ये देख सकते हो दोस्तों, ये है टनल, ये वैशाली के सामने ये टनल यहाँ से ये निकली है, और ये टनल बन के अंदर से तो कम्प्लीट ही हो चुकी है, देख सकते हो। तो यहाँ पर ये मिट्टी अब निकाली जा रही है, और मिट्टी निकाल देने के बाद में देख सकते हो ये इन्होंने पाइल पहले ही कर दिया था, ये देख सकते हो जहाँ पर ये रखे हुए हैं। देखो ये यहाँ पर ये मिट्टी निकाली जा रही है, और उतना ये वहाँ से निकाली जाएगी मिट्टी को वहाँ तक निकाला जाएगा। देखो ये JCB लगा हुआ है हिटेची, ये देख सकते हो तस्वीरें। कुछ ऐसा सीन है यहाँ का, ये देखो चल रहा है JCB, ये JCB मशीन ही है दोस्तों, ठीक है। काम काफ़ी तेज़ी के साथ में चल रहा है, और आनंद विहार में इसका स्टेशन है दोस्तों, देखो। और एक साहिबाबाद में इसका स्टेशन है, फिर उसके बाद देखो ये प्लर यहाँ से बनते चले जा रहे हैं, ये देख सकते हो तस्वीरें। कुछ ऐसा है सीन, ठीक है दोस्तों। ये देखो ये सारे प्लर यहाँ पर निकाल दिए इन्होंने, देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये वर्क चल रहा है। यहाँ से ये मिट्टी निकालने का काम चल रहा है, और ये वैशाली के सामने। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस केपी संत के चैनल पर दोस्तों देखते रहो। देख सकते हो ये टनल आनंद विहार से आ रही है बनते हुए, और यहाँ पर आकर ये ऊपर हो जाती है यानी कि एलिवेटेड हो जाएगी दोस्तों।
तो आपको बता दूं यहाँ पर पहले पाइल कर दिया गया था, तो उन्हीं को पाइल को ये जो मतलब पिलर हैं जमीन के अंदर उनको निकाला जा रहा है मिट्टी हटा कर, और मिट्टी हटा देने के बाद में फिर ये पिलर निकलेंगे, उनको तोड़ा जाएगा, तोड़ने के बाद में फिर इस पर फाउंडेशन बनाया जाएगा दोस्तों। अब फाउंडेशन बनाने देने के बाद में जैसा उधर चमक रहा है ना फाउंडेशन, वैसे ही आप लोगों को इस साइड में चमकेगा कि ये ऊँचा होता चला जाएगा पिलर द्वारा, ये पिलर के ऊपर ही रहेगा। तो वही पिलर ये निकाले जा रहे हैं, मिट्टी हटाई जा रही है, पिलर निकाले जा रहे हैं दोस्तों। फिर उसके बाद में इनकी फिनिशिंग करके फिर इस पर क्या, इस पर आपको बता दूं इस पर फाउंडेशन बनाया जाएगा दोस्तों। फाउंडेशन बना के इसको एलिवेटेड कर दिया जाएगा, जैसा कि आप लोगों को अभी इधर की साइड में देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग इस जेसीबी के नज़ारे लेते रहो, देख सकते हो किस तरीके से ये मिट्टी निकाल रही है जेसीबी मशीन, क्योंकि यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ में बर्क चल रहा है डेली मेरठ RRTS के कॉरिडोर पे दोस्तों। अब आपको बता दूँ 6 किलोमीटर की टनल तो ये आनंद विहार के अंदर है, और 6 किलोमीटर की टनल दोस्तों उत्तर प्रदेश के मेरठ में है दोस्तों, जो कि मेरठ सेंट्रल से स्टार्ट होती है और ये दौरली में जाकर निकलती है। तो 6 किलोमीटर की टनल वहाँ पर है, मतलब कि टोटल ये अंडरग्राउंड है 12 किलोमीटर। और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर दो, तुरंत बेल आइकन बजा दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज़ KP संत के चैनल पर देखते रहो मेरे प्यारे दोस्तों। इस पर पहले ही मतलब कि पाइल कर दिया था ज़मीन के अंदर दोस्त, पिलर पहले ही डाल दिया जा चुका था, ये देख सकते हो बीच में, और उस पर फ्लोरिंग का काम हो गया है ये टनल के अंदर। अब जो टनल की जो दीवारें हैं साइडों की, लेफ्ट की और राइट की, उन पर अब कंक्रीट डाला जाएगा। तो देख सकते हो उस पर कंक्रीट भरा जाएगा, अब इसमें वही काम किया जा रहा है, बाकी ऊपर तो बन के कंप्लीट हो गई है अंदर से। तो यही सीन है, आप लोग देखो कुछ ये नज़ारे हैं यहाँ के, और वहाँ से ये एलिवेटेड हो जाएगी दोस्तों। वो देख सकते हो ब्लू जो येलो कलर का वो ऊपर रखा हुआ है उस पर, तो वहाँ से फिर वो ये एलिवेटेड हो जाएगा। तो वहीं चलते हैं, और अभी देखिए टीम लगी हुई है जो इस पर फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है इस पर, क्योंकि ऊपर उठाने के लिए। तो यही नज़ारे हैं यहाँ के, अब चलते हैं आगे और दिखाते हैं चल के आप सभी को गाइड। देखो यहाँ कितनी ज़्यादा है, ये वैशाली मेट्रो स्टेशन है, तो इस वजह से देखो बसों की और ये ऑटो रिक्शे की कितनी ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, ये देख सकते हो आप लोग। ऐसे ही वीडियोस KP संत के चैनल पर देखते रहो दोस्तों। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस। मिलते